दूसरा है सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, त्रिलोचन सिंह, त्रिलोक सिंह, इधर से इन्होंने रिवर्सिबल एमबी पुलों द्वारा लगभग 150 एकड़ खेत आई साल ये मैनेज करते हैं। किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री अपडेट में। जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में देखा है, सुखदेव सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह जो कैथल जिले के ब्लॉक सीवन के गांव प्रभोत के निवासी हैं, किसान साथियों उपायुक्त द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है उनके जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को 80% पर यंत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं। उनमें से एक यंत्र है हमारा एमपी प्लो, पलटा हल जिसको हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके श्री सुखदेव सिंह अपनी ज़मीनों को लगातार उपजाऊ बना रहे हैं और एक सभी के लिए आइकन बने हैं। तो क्या है टेक्नोलॉजी, हम इससे बात करेंगे सुखदेव जी से। जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हो कि एमपी प्लो लगाने के बाद रोटावेटर से ज़मीन को बारीक किया जा रहा है, बारीक करने के बाद इसमें पानी दे दिया जाएगा। किसान साथियों जैसे कि आप जानते हो कि यूनिवर्सिटी द्वारा भी रिकमेंडेशन दी जाती है किसानों की कि गहरी जुताई की जाए और गहरी जुताई के बाद एक प्री शोइंग इरिगेशन, बिजाई से पहले पानी दिया जाए खेतों में, ताकि जैसे कि आप जानते हो कि जो बेल्ट हमारी पेडी धान की बेल्ट है उसके अंदर लगातार पानी खड़ा होने की वजह से जो साल्ट हैं वो ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, उसको तोड़ने का जो काम करता है एमपी ब्लो, उसकी लेयर को तोड़ने का काम करता है, दूसरा जो इरिगेशन का काम करता है। इससे क्या होगा कि हमारी ज़मीन में इरिगेशन भी बनेगा, ज़मीन में पानी पीना शुरू करेंगी और जो मित्र कीट हैं वो भी आपके बने रहेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया है सुखदेव जी से। चलिए हम बात करते हैं सुखदेव जी से, क्या किस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने खेतों और अपनी पैदावार को बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम सुखदेव सिंह, गांव पर बहुत, मैं 80 एकड़ की खेती करता हूँ और पिछली बार भी मैंने जो ये पराली प्रबंधन का जो किया था 80 एकड़ किया था, उसमें जैसे इसका प्रोसीजर ये है कि पहले तो उसके मल्चिंग करो, मल्चर करके उसके बाद प्लो करा, प्लो के बाद फिर ये जो रोटावेटर चल रहा है ये रोटावेटर के साथ थोड़ी सी बारीक हो जाती है, उसके बाद ये इसके साथ ही ये फिर पानी लगा दिया, उसको रोनी हो जाएगी तो बाद में मतलब ये ड्रिल हो जाएगी। पिछली बार भी हमने देखा गेहूँ की पैदावार बहुत बड़ी है, कम से कम 5 क्विंटल का फ़र्क पड़ा है मैंने तो देखा, क्यों इसमें पानी की खपत, पानी नहीं खड़ा हुआ प्लो मारने से, पानी जो है ज़्यादा ज़मीन ने पिया है तो पानी पीने से उसका पानी खड़ा होने का कोई मतलब नहीं इसमें, और उसमें बाकी जो यूरिया है वो भी कम डाला तो खरपतवार जो वो भी कम हुए हैं, तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। CSC सेंटर मेरे पास है, मैंने अनुदान पर पिछली बार जो इम्प्लीमेंट लिए थे तो उस सारा जो मेरा खुद का खर्चा आ रहा है वो 1100 रुपया खर्चा आ रहा है डीजल खपत में, तो मान लो किराए पे भी कोई कराएगा इसको तो उसका 3500 से 4000 के बीच में खर्चा रहेगा, ज़्यादा खर्चा नहीं है क्योंकि ये खर्चा तो निकल जाता है पैदावार की बढ़ोतरी में निकल जाता है, और क्यों उसमें यूरिया वगैरह भी कम डलती है और पैदावार ज़्यादा निकलती है वो तो खर्चा निकल जाता है, ये खर्चा तो आप भूल जाइए क्यों इसमें आप आगे आने वाले समय ज़मीन भी अपनी बचा रहे हो, पर्यावरण भी बचा रहे हो, अपने जो है आने वाले भविष्य को, ये आने वाली पीढ़ी को अच्छी ज़मीन अच्छा पर्यावरण दे के जाओगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा आपके लिए वो है। पिछली बार की तरह ही अब की बार भी मैं सेम वैसे ही कर रहा हूँ, अब की बार और भी बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेरे को इसका बेनिफिट। मैं तो सारे किसान भाइयों को ये निवेदन करूँगा कि भाई आप पर्यावरण भी बचाओ, क्यों हमारी सेहत भी बहुत ज़रूरी है, और ये जो हमारी आग लगाने से ज़मीन को नुकसान पहुँचता है ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है ज़मीन का, तत्व जो है जो कीड़े हैं मित्र कीड़े हैं वो मर जाते हैं, सेहत से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। हम पर्यावरण बचाएँगे तो अपने आने वाले पीढ़ी को भी बचाना है हमने, इस करके मैं ये सारे किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मेरे द्वारा जो अपनाया गया तरीका मैं इसका सलाह देता हूँ। इसमें जो सुंडी की समस्या का तो बिल्कुल है ही नहीं, जो प्लो करने में जो इसमें जैसे कि पहले हैप्पी सीडर था, हैप्पी सीडर में सुंडी की समस्या ज़्यादा आती थी, क्यों उसमें पराली थोड़ी लालों के ऊपर रह जाती थी
इसमें पराली प्लो करने में पराली बिल्कुल नीचे चली जाती है, सुंडी की 1% भी समस्या नहीं है इसमें। तो मेरे को सबसे बढ़िया और फर्स्ट तरीका तो यही लगा है। तो सभी किसानों से यही अपील करूँगा कि आप इस तरीके से, बाकी लोग कर भी रहे हैं, इस तरीके से आप भी करो तो उसका बेनिफिट उठा, उसका लाभ उठाओ, आग ना लगाकर अपनी खेती को भी बचाओ। ये ज़मीन के तत्व हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं इससे, और ज़मीन में सुधार आता है काफ़ी।